कृतिका, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, एंड यू ऑल हैव हैड योर ब्रेकफास्ट एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एमसीक्यू सेशन टुडे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक, वी आर ऑल फेसिंग इट, और लॉकडाउन के चलते सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कॉलेजेस, इवन स्कूल्स, एवरी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोज्ड। तो आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में बैठ के नेट की प्रिपरेशन करते थे या फिर अपने कोर्स की पढ़ाई करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में, या फिर बुक्स की हेल्प लेते हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होती हैं। और क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस आर ऑल क्लोज्ड, सो ऑब्वियसली लाइब्रेरीज आर ऑल्सो क्लोज्ड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक। तो मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेल किया कि मैम, हमें एमसीक्यूज आप करवाइए, बिकॉज दैट दैट विल हेल्प अस मोर। तो देर आर टू रीजंस व्हाई आई एम लाइव टुडे। वन इज बिकॉज, एज आई टोल्ड यू, कि लाइब्रेरी में आप लोग पढ़ाई करते हैं, एक शेड्यूल होता है आपका, एक आपका डिसिप्लिन होता है कि आपको इतने बजे लाइब्रेरी पहुंचना है, पढ़ाई करना है। वो इस समय थोड़ा आई कैन सी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ब्रेक हो गया है। तो वी थॉट कि हम लाइव आएंगे तो आप हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, दैट विल हेल्प यू मोर। सेकेंडली, एज आई सेड कि स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया कि मैम, एमसीक्यूज आप पढ़ाएं, क्योंकि उससे शायद हमें ज्यादा मदद मिलेगी। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फॉर दी फर्स्ट टाइमर्स, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। सो टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो एमसीक्यूज मैंने चूज किए हैं उसमें से कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं पिछले सालों में, कुछ रिपीट हुए हैं कई बार, और कुछ आगे आने की संभावना है। तो वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिएगा, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। और दिस इज गोइंग टू हेल्प योर लॉट, बिकॉज थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन, आप समझ ही सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन का पूरा क्रक्स होगा इसमें। तो आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन। ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन रेज करूंगी और उसके आंसर्स आप लोगों को देने होंगे, ठीक है? तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और व्हाट मोर इज टू बी डन टू मेक योर प्रिपरेशन मोर कॉन्क्रीट, मोर गुड, सो दैट यू ऑल प्रिपेयर योर सेल्फ नाइसली। इसके साथ ही एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमने ये एमसीक्यू सीरीज जो शुरू की है, तो हर वेडनेसडे, यानी कि एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार हम लोग दोपहर 12 बजे यहाँ पे मिलेंगे, और एक एक टॉपिक हम लोग लेंगे जो आपकी यूजीसी नेट के नए सिलेबस में है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन लिया है, एक दिन हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे, एक दिन हम लोग कैमरा एंड साउंड पढ़ सकते हैं, किसी दिन हम लोग मीडिया लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है जिसमें यू फील वीक और आप चाहते हैं कि आप मेरी हेल्प चाहते हैं बेसिकली उसमें। सो दीज ट्यूटोरियल्स आर एब्सोल्युटली फ्री स्टूडेंट्स, सो जस्ट मेक यूज ऑफ देम। और हर वेडनेसडे आप यहाँ आइए, 12 बजे हम लोग मिलके तैयारी करेंगे। इट विल बी इंटरैक्टिव सेशन, क्लास होगी यहाँ पे आपकी। सो एवरी वेडनेसडे 12 PM स्टार्ट विद आर एमसीक्यू सेशन टुडे। और आज मैंने जैसा कि बताया, हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन की, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लूंगी। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी वॉट इज टू बी डन। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी ऑन योर स्क्रीन की क्या है मास कम्युनिकेशन, थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन कम्युनिकेशन रिलेशनल इंफॉर्मेशन इज, ऑप्शन फर्स्ट इज नॉन इंटरप्रिटेटिव, ऑप्शन टू इज अनक्रिटिकल,
option 3 is non-transferable, or option 4 is emotional. What are the comments that I'm getting? Okay, so I'm able to see your comments also. Okay, so the first question here is, in communication, relational information is, first is non-interpretative, second is uncritical, third option is non-transferable, yeah, for fourth option is emotional. So see friends, they are talking about relational information. So we know that relational communication is basically a communication process in which personal relationships, such as a family relationship or a romantic relationship or a friendship, is involved. So we see that okay Garima, I can see your comment. You are asking about media laws, if I'm not wrong. You had asked before also about media laws, and we are working on it. We'll be soon uploading a video on media laws. Also, do tell me whether you want to learn about the theoretical aspects of media law or about the MCQs that are asked in media law. So just be precise. You can comment us. Okay, so we are having Amit here. We are having Garima, Anmol, Swati, Meer Farooq, you all guys are here. Thank you for joining in on my live session. Okay, so I'm getting options 1, 2 and 4. Well, option 1 and 2 are not right here. Option 4 is correct, which is given by Meer Farooq. Very good, Meer. Your answer is absolutely correct here. They are talking about relational information in communication. That means they are talking about relational communication. And as I told you, that when we talk about relational communication, we are basically talking about the relationships which are personal in nature, such as a family relationship or a romantic relationship or any other kind of friendship relationship. So when these relationships are involved, obviously emotions are involved. So you're absolutely right. The right answer here is option 4, emotional. Now, one more trick that I want to tell you is, suppose you have never heard about relational information and you are not getting, aapko samajh mein nahi aa raha hai ki question mein kya poocha ja raha hai, to aap kaise guess kar sakte hain ki iska right answer kya hoga? आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. इन्होंने बात की है इन कम्युनिकेशन रिलेशनल इंफॉर्मेशन की, तो रिलेशनल कम्युनिकेशन की बात हो गई यहाँ पे. अब जब रिलेशन की बात करते हैं, तो रिलेशन हमेशा दो चीजों के बीच में डेवलप होता है, और क्योंकि यहाँ पे रिलेशनल कम्युनिकेशन की बात की गई है और कम्युनिकेशन दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में होगा, तो यहाँ पे दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच के रिलेशन की बात कही गई है. और जब दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच के रिलेशन की बात करेंगे, तो इट इज वेरी क्लियर कि हम इमोशनल एस्पेक्ट की बात करेंगे. तो इवन इफ अगर आपने ये कभी टर्म सुने नहीं है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो जस्ट यूज लिटिल बिट ऑफ योर माइंड और आप इजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो नॉन इंटरप्रिटेटिव इज नॉट अ आंसर, अनक्रिटिकल इज नॉट अ आंसर, नॉन ट्रांसफरेबल इज ऑल्सो नॉट एन आंसर. द राइट आंसर इज इमोशनल. ओके, सो हियर यू कैन सी द राइट आंसर इज इमोशनल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द second question. Before that, Swati is saying something. Okay, for National Cinema Movement, you are asking for a book. Okay, I'll let you know which book is good for you. And I hope, Swati, last time also you asked about a book for PR and corporate, and we tried to tell you about those books. So, mujhe puri aasha hai, umeed hai ki aapko usse help mili hogi. Now, okay, now let's move on to the second question. The second question says, the most important limitation of information theory, information flow theory, is option A is message centric, option B, yani ki second option, is source dominance, option C is channel problem, ya fir option fourth jo hai aapka receiver specific. To yahan pe baat ho rahi hai इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्योरी की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन जो इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्योरी की होती है वो ये होती है दैट इट इज लीनियर इन नेचर, ऑल्सो इट इज सोर्स
डोमिनेट, ये बहुत ही मैं कहूंगी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने इंफॉर्मेशन फ्लो थ्योरी पढ़ी है या फिर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं जिसमें मैंने इंफॉर्मेशन फ्लो थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई है, तो लिमिटेशन उसकी बहुत क्लियर है कि दो लिमिटेशंस होती हैं। एक तो ये लीनियर इन नेचर होता है, लीनियर मीन्स नॉट नॉट सर्कुलर बट लीनियर इन नेचर, एंड द सेकेंड लिमिटेशन इज दैट इट इज सोर्स डोमिनेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोर्स डोमिनेंट। ऑल्सो गाइज डू टेल मी कि आपको क्या आंसर लगता है। ओके अनमोल ने बताया है ऑप्शन टू, वेरी गुड अनमोल, यू आर राइट, ऑप्शन टू इज सोर्स डोमिनेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर थर्ड क्वेश्चन हियर। द थर्ड क्वेश्चन सेज द टू स्टेप फ्लो थ्योरी इमर्ज फ्रॉम द फील्ड ऑफ ए इज लिंग्विस्टिक्स, ऑप्शन टू इज इकोनॉमिक्स, ऑप्शन थ्री इज पॉलिटिक्स, ऑप्शन फोर इज लीगल स्टडीज। सो दे आर टॉकिंग अबाउट टू स्टेप फ्लो थ्योरी और पूछ रहे हैं कि वो थ्योरी कहाँ से इमर्ज हुई है। एनी एनी आंसर्स आई वुड लाइक यू गाइज टू आंसर, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे आंसर दें इसका। टू स्टेप फ्लो थ्योरी बहुत ही कॉमन थ्योरी है, आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में ही पढ़ी होगी। मुझे कॉमेंट करके बताइए वॉट इज द राइट आंसर हियर, द टू स्टेप फ्लो थ्योरी। ओके आई एम गेटिंग सी, यानी कि थर्ड एज एन ऑप्शन, फोर्थ एज एन ऑप्शन, लीगल। ओके ओके वेल फ्रेंड्स राइट आंसर हियर इज ऑप्शन थ्री, और गरिमा ने सही दिया है आंसर, स्वाति ने भी सही दिया है, ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर, पॉलिटिक्स। सो टू स्टेप थ्योरी इज इमर्ज फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। लेजर फील्ड ने अर्ली 1940s में एक एक्सपेरिमेंट किया विच वॉज अमेरिकन सर्वे ऑन मास कैंपेन, और इसमें से इन्होंने इजाद की टू स्टेप फ्लोरी थ्योरी, और दिस स्टडी बेसिकली रिवील्ड दैट द इंफॉर्मेशन द इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में ये थ्योरी थी, और इसमें कहा गया कि इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग द मैनर इन विच इंडिविजुअल सेलेक्ट कंटेंट फ्रॉम द मीडिया कैंपेन। तो किस तरह से हमारे जो मीडिया कंटेंट कैसे लोग पिकअप करते हैं उसके बारे में ये थ्योरी थी, और इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को लेके ये थ्योरी कही गई है। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी विच इज पॉलिटिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन हियर सेज द कम्युनिकेशन कॉम्पोनेंट ऑफ द डिपेंडेंसी पैराडाइम इज मोस्ट ऑफन रेफर्ड टू एज, फर्स्ट ऑप्शन इज मॉडर्नाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन इज कल्टिवेशन, थर्ड ऑप्शन इज डेवलपमेंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन इज कल्चरल इंपीरियलिज्म। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी पैराडाइम की बात की गई है और पूछा गया है कि कम्युनिकेशन कंपोनेंट जो होता है इट इज मोस्ट ऑफन रेफर्ड टू एज, कैसे आप उसको रेफर करते हैं। सो वेटिंग फॉर द आंसर्स हियर, एंड गाइस प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस को चाहें तो यू कैन नोट डाउन इन योर कॉपीज, और इनको आप पढ़िएगा बाद में, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, आपको बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से आपके पेपर टू के लिए। सम ऑफ यू आर सेइंग कि पेपर टू बहुत वीक है, और एज आई हैव ऑलवेज सेड कि मास कम्युनिकेशन ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे कि आप 2-3 महीने में पढ़ के और क्लियर कर लें। यू नीड अ डीप नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी थ्योरी, क्योंकि इसमें आपका सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सभी फील्ड से रिलेटेड थ्योरीज यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। सो यू नीड अ डीप नॉलेज फॉर इट, और ये नॉलेज आपको 2-3 महीनों में आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। ओके आई एम गेटिंग 3, 4, 3, 4 एज योर ऑप्शंस, वेरी गुड।
ऑल राइट सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिपेंडेंसी पैराडाइम की बात हो रही है, यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी की बात हो रही है. तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? इट इज द नोशन दैट रिसोर्सेस फ्लो फ्रॉम अ पेरिफेरी ऑफ अ पुअर एंड अ अंडर डेवलप्ड स्टेट टू अ वेल्दी स्टेट. ओके, सो डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि रिसोर्सेज जो है दे फ्लो फ्रॉम अ पुअर और अंडर डेवलप्ड स्टेट टू अ वेल्दी स्टेट. दिस इज हाउ डेवलपमेंट हैपन. सो जब हम दो स्टेट्स की या दो दो प्लेसेस की पेरिफेरी की बात करते हैं, तो हम कल्चर की भी बात करते हैं. वहां पे मॉडर्नाइजेशन डजेंट मेक सेंस हियर, बिकॉज इट इज अबाउट द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड अबाउट द डिपेंडेंसी ऑफ अ नेशन ऑन अनदर नेशन. सो हियर मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अ राइट आंसर. कल्टिवेशन एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पे नहीं होगा. डेवलपमेंट में बहुत स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी पैराडाइम है और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकता है, तो डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. बट हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, विच इज कल्चरल इंपीरियलिज्म. एंड नाउ सम ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग कि कल्चरल इंपीरियलिज्म क्या होता है, तो लेट मी टेल यू दैट इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग एंड इम्पोजिंग अ कल्चर एंड यूजुअली दैट ऑफ अ पॉलिटिकली पावरफुल नेशन ओवर अ लेस पावरफुल सोसाइटी. सो कल्चरल इंपीरियलिज्म मीन्स कि आप किसी कल्चर को दूसरे के कल्चर पे इम्पोज कर रहे हैं, राइट? सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कल्चरल इंपीरियलिज्म. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. And it says that one of the important components of selectivity theory is, you can see, okay, you can see the options here. The option 1 is culture, option 2 is source, option 3 is violence, or option 4 is feedback. So they are talking about the selectivity theory. This is a very direct question. सेलेक्टिविटी एक्सपोजर थ्योरी बेसिकली इसका पूरा नाम है, एंड इट इज अ कॉन्सेप्ट इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च दैट बेसिकली रेफर्स टू इंडिविजुअल्स टेंडेंसी टू फेवर इंफॉर्मेशन दैट रीएनफोर्सेस प्री एग्जिस्टिंग व्यूज वाइल अवॉइडिंग द कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज. तो यहाँ पे बात हो रही है सेलेक्टिविटी थ्योरी की. और करेक्ट आंसर, वेरी गुड, एवरीवन नोज दिस आंसर, वेरी गुड. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कल्चर. आई एम हैप्पी दैट सो मेनी ऑफ यू गेव द राइट आंसर. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. इट सेज अकॉर्डिंग टू श्रेम, यानी कि विल्बर श्रेम की यहाँ पे बात हो रही है, द मास मीडिया कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री थ्रू 3 मोड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स डिड ही नॉट प्रोफाउंड. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. दे आर आस्किंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स डिड ही नॉट प्रोफाउंड. सो ऑप्शन ए हियर इज द मास मीडिया एज टूल्स ऑफ एंटरटेनमेंट. ऑप्शन बी इज मास मीडिया एज टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. सी इज मास मीडिया एज टीचर्स एंड द मास मीडिया एज वॉच डॉग. वेटिंग फॉर द आंसर्स. ओके, so friends, when we talk about Schrems model, it basically talks about the completeness of the communication. और इनके जो मॉडल है उसमें इन्होंने बात करी है मास मीडिया एज अ टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग की. इन्होंने बात करी है मास मीडिया एज अ टूल एज टीचर्स, एंड दे हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मास मीडिया एज वॉच डॉग, बट दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट मास मीडिया एज टूल्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट की इन्होंने अपने मॉडल में कहीं बात नहीं करी है. मेक अ नोट ऑफ इट कि जो श्रेम का मॉडल है ऑफ मास मीडिया, दे हैव टॉक्ड अबाउट डिसीजन मेकिंग, टीचर्स या फिर वॉच डॉग्स की इन्होंने बात करी है, लेकिन एंटरटेनमेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है.
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विच इज गिवन बाय देवेंद्र कुमार प्रजापति. द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, द मास मीडिया एज टूल्स ऑफ एंटरटेनमेंट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. एंड इट सेज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. सो दिस इज अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. आई एम श्योर कि आप लोगों को इसका आंसर आता होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू नो द आंसर? मीर इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी. ओके, एनी अदर गेसेस? All right, when we talk about Rogers, we know that Rogers ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड में काफी काम किया है. उनका डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज वेरी फेमस मॉडल, एंड ही हैज ऑल्सो वर्कड इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो इवर्ट रॉजर्स के बारे में वी ऑल नो, मैंने बता दिया आपको कि उन्होंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में काफी काम किया है. ओके, आई एम गेटिंग बी ऑल्सो एज एन ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोरा क्वेब्रल. तो इन्होंने, शी इज अ पाइनियर इन द डिसिप्लिन ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. फ्रेंड्स, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैचिंग में भी आ सकते हैं. सो जस्ट नोट इट डाउन कि इवेट रॉजर्स ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की फील्ड में काम किया है. ही हैज वर्कड इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इनका काफी फेमस मॉडल है. ऑल्सो नोरा हैज इज नोन एज द मदर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ हर वर्क. ऑल्सो जो ब्रेड है, एफ ब्रेड, ही हैज ऑल्सो वर्कड, दिस रिसर्चर हैज ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. एंड इन्होंने डिस्क्राइब किया है एज द आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. सो दिस रिसर्चर हैज ऑल्सो वर्कड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. बट जो ऑप्शन सी है, केथ डेविस, इन्होंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के फील्ड में ज्यादा काम नहीं किया है, और इन्होंने डिफाइन किया है कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ही हैज बेसिकली डिफाइन द कॉम्युनिकेशन विद दीज वर्ड्स. तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि किसने इस फील्ड में काम नहीं किया है. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, केथ डेविस. ओके, या सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 8, एंड इट सेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लेयरिंग फीचर ऑफ मास कल्चर. मास कल्चर का फीचर इनमें से कौन सा नहीं है? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. ऑप्शन ए हियर इज नॉन टेक्निकल कैरेक्टर, ऑप्शन बी इज होमोजेनाइज्ड, ऑप्शन सी इज नॉन कॉमर्शियल, या फिर ऑप्शन डी नॉन एलीट नेचर. सो दे आर आस्किंग अबाउट द फीचर ऑफ मास कल्चर. दिस इज क्वाइट अ डायरेक्ट क्वेश्चन. मास कल्चर की फ्रेंड्स जब बात होती है तो नॉन टेक्निकल नेचर होता है. सो नॉन टेक्निकल कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा. होमोजेनाइज्ड होता है मास कल्चर, क्योंकि जो कल्चर है वो, मैं आपको कभी बाद में इस पे क्लास लूंगी कि कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है. बिकॉज जब हम कल्चर की बात करते हैं तो हम एक ग्रुप की बात करते हैं दैट हैज अ सेम काइंड ऑफ अ कल्चर. सो होमोजेनाइज्ड इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. देन नॉन एलीट इन नेचर, दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन. इट इज बेसिकली नॉन एलीट इन नेचर. एंड ऑप्शन सी जो है, नॉन कॉमर्शियल, दिस इज द राइट आंसर. देवेंद्र ने सही जवाब दिया है यहाँ पे. आई कैन सी ऑप्शन सी. यस देवेंद्र, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉन कॉमर्शियल. नाउ वी मूव ऑन टू द
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज सेइंग अबाउट कल्टीवेशन एनालिसिस। आई एम श्योर आप सबने कल्टीवेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा होगा। कल्टीवेशन एनालिसिस इज अ प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद, गाइस प्लीज आई वॉन्ट राइट आंसर्स फॉर दिस बिकॉज इट्स द सुपर इजी क्वेश्चन एंड यू गॉटा गिव मी द राइट आंसर फॉर दिस। कल्टीवेशन एनालिसिस किसने दिया था ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए इज डेनिस मैक्वेल, ऑप्शन बी इज जॉर्ज गर्बनर, ऑप्शन सी इज सीज हैमलिंग, ऑप्शन डी इज जेम्स हालरॉन। सो व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? यस यस राइट स्वाति, राइट विनीता, राइट वेरी राइट गरिमा, जीतू वेरी राइट। ऑप्शन राइट आंसर हियर इज जॉर्ज गर्बनर, इनका कल्टीवेशन एनालिसिस था और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एज फार एज मास कम्युनिकेशन इज कंसर्न। इन्होंने बताया था एन इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द व्यूज एंड बिहेवियर्स ऑफ दोज हु स्पेंड मोर टाइम विद द मीडिया पर्टिकुलरली टेलीविजन रिफ्लेक्ट व्हाट दे हैव सीन ऑन द टेलीविजन। इसका मतलब है जो भी मीडिया आप ज्यादा देखेंगे आप उसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ कल्टिवेशन एनालिसिस। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। आज के अगर आप फ्यूचर में कभी पीएचडी करते हैं गाइस तो भी आपको जब आप रिसर्च करेंगे तो ये थ्योरी आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो यू हैव एन इन डेप्थ। ओके चारू इज हियर, शी इज सेइंग बी। यस चारू द राइट आंसर इज बी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। इट इज अगेन अबाउट द about George Gerbner and they are asking about the measuring procedure this researcher used for his theory. So option A is cultivation scale, option B is cultivation profile, option C is cultivation meter, ya fir option D is cultivation differential. Now this is a little tricky question and let's see kaun iska answer sahi deta hai. They are asking about the measuring procedure that was used by George Gerbner. I would like to see the correct answer. कौन देता है इसका? This is a tricky question. And let me tell you कि this is ये question आ भी सकता है अब आपके net के exam में. So you मैंने कहा cultivation analysis is a very important theory. So you need to know this. Okay, I am getting one. ऑप्शन ए बी ओके नो नो ओके हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कल्चरल डिफरेंशियल प्रोसीजर का यूज किया था। दिस इज द मेजरिंग प्रोसीजर दैट वॉज यूज बाय जॉर्ज गर्बनर फॉर हिज रिसर्च। सो आई एम अगेन सेइंग प्लीज गो थ्रू दिस दिस थ्योरी अच्छे से सो दैट यू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे मैचिंग में भी पूछे जाते हैं और लेट मी टेल यू कि अगर आपको एक भी आता है मैचिंग में करेक्ट तो चांसेस आपके उस क्वेश्चन को सही करने के बढ़ जाते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कुछ और रिसर्चर्स के नाम लेके और कौन सा उन्होंने मेजरिंग प्रोसीजर यूज किया है आपको दे करके दे कैन आस्क फॉर मैचिंग। सो यू शुड नो दैट ऑल्सो। So the correct answer is cultivation differential. Now let's move on to the next question, which is question number 11. This is again a very direct question. The two-step flow theory was propounded by A is Katz and Lesserfeld, B is Osgood and Schrem, C is Walter Lippmann, ya fir D is Daniel Lerner. So two-step theory kisne di thi? हिंदी में आकाश हिंदी में क्या आपको यू वांट आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में यहाँ पे ट्यूटोरियल दूं तो मैं हिंदी में भी दे सकती हूँ बट हम कोशिश करते हैं कि हम बायलिंगुअल रखें ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स को फायदा हो हमारे फ्री ट्यूटोरियल से। ओके सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? टू स्टेप फ्लो थ्योरी किसने दी थी गाइस?
ओके स्वाति सिंह ए, विनीता सिंह सी. वेल द करेक्ट आंसर, यू आर राइट स्वाति. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्ट्स एंड लेजरफेल्ड ने दी थी टू स्टेप फ्लो थ्योरी. तो दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. इसके साथ ही साथ आप लोगों को ऑप्शन बी सी और डी भी आने चाहिए. यू शुड नो कि ऑस्गुड श्रेम की कौन सी थ्योरी या मॉडल था, वॉल्टर लिपमैन का कौन सा थ्योरी मॉडल था, या फिर डैनियल लर्नर ने कौन सा थ्योरी मॉडल दिया था. यू शुड नो दिस ऑल्सो. डोंट लीव इट आफ्टर वी आर डन विद दिस लाइव कॉन्वर्जेशन. मेक श्योर कि आप इन इन मॉडल्स को भी पढ़ लें. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम दी क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स. नाउ हेयर कम्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम दी क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स. ऑप्शन ए इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ऑप्शन बी इज कल्टिवेशन एनालिसिस, ऑप्शन सी इज कल्चरल इंपीरियलिज्म, या फिर ऑप्शन डी इज यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन. सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर गाइस? दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स. सी, क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स की जब हम बात करते हैं तो हम फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करते हैं. ये शायद आपके नए सिलेबस में मेंशन भी है, फ्रैंकफर्ट स्कूल. सो कंफ्यूज मत होइएगा व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स. आप सोचेंगे हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है. दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें कि बहुत सारे रिसर्चर्स थे. एडोर्नो, बेंजामिन, मार्कूस, ऐसे काफी सारे उसमें रिसर्चर्स हैं, उनकी यहाँ पे बात हो रही है. तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स यानी कि फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स में से निकल के आया था डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जिसका जिक्र हम लोग अभी पहले कर चुके हैं. कल्टीवेशन एनालिसिस, कल्चरल इंपीरियलिज्म एंड यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन भी आपको पढ़ना है. मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दीज ऑप्शंस ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लें और आंसर इसका दूसरा ऑप्शन हो जाए. तो प्लीज इन ऑप्शंस को डोंट लीव देम, स्टडी देम. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज क्वेश्चन नंबर 13, द वेस्टर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज. ऑप्शन ए इज इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन सी इज एक्सप्लिसिट एंड डायरेक्ट, और नन ऑफ द अबव. सो वेस्टर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? डू यू नो वट वेस्टर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज? वेल फ्रेंड्स, वेस्टर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स फेस टू फेस और मीडिएटेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सो अब मैंने आपको बता दिया है वेस्टर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है. नाउ यू शुड गेट द राइट आंसर. ओके, सो नाउ दैट आई हैव, मैंने जैसा कि बताया कि वेस्टर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन और मीडिएटेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन को इंक्लूड करता है. तो जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए. ऑप्शन ए, क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट होता है? नहीं. क्या इम्प्लिसिट होता है? नहीं. क्या एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट हो सकता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन या फिर मीडिएटेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन? तो यस, इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी एक्सप्लिसिट आल्सो. तो यहाँ पे फिर नन ऑफ द अबव का तो ऑप्शन ही नहीं रहा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन सी, एक्सप्लिसिट और डायरेक्ट. सो दिस इज द वेस्टर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर क्वेश्चन नंबर 14, which is again a very direct question. They are asking about who is the author of the play Theory of Mass Communication. So this is a very direct question. Option A is George Gerbner, option B is William Stephenson, option C is V.L. Rivers, या फिर option D is Horace Newcomb. पूछ रहे हैं कि किसने थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन प्ले को लिखा है. एनी गेसेस फॉर योर आंसर्स? सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज विलियम स्टीफेंसन. इन्होंने लिखा है
थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन. ओके, सम ऑफ यू हैव गिवन अ राइट आंसर टू इट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने आपको अपने पिछले लाइव वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको इस तरह के और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए या सैम्पल पेपर्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर व्हाट्सएप नंबर विच इज 9993684080. ये आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है नीचे. यू कैन नोट आउट नोट डाउन द नंबर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. चाहे आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, इवन पीएचडी के लिए और फॉर बैचलर डिग्री, तब भी आपको ये एमसीक्यू बहुत हेल्प करेंगे. साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेंगे. सो इफ यू वांट देम यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दी व्हाट्सएप नंबर दैट इज बीइंग स्क्रोल्ड ऑन योर स्क्रीन. नाउ वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15. द क्वेश्चन सेज अबाउट द डिपेंडेंसी थ्योरी. द डिपेंडेंसी थ्योरी हैज आइडेंटिफाइड ऑब्स्टिकल्स टू डेवलपमेंट एज एंड द ऑप्शंस गिवन आर इंटरनल. ऑप्शन बी इज एक्सटर्नल. ऑप्शन सी इज न्यूट्रल. ऑप्शन डी इज ट्रेडिशनल. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द डिपेंडेंसी थ्योरी. डिपेंडेंसी थ्योरी अगर आप लोगों को पता है तो इट इज द नोशन, मैंने आपको पहले बताया दैट इट इज द नोशन दैट रिसोर्सेस फ्रॉम अ पेरिफेरी ऑफ अ पुअर कंट्री फ्लो टू द पेरिफेरी ऑफ अ कंपैरेटिवली रिचर्स और वेल्दियर स्टेट. सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऑब्स्टिकल टू डेवलपमेंट क्या हो सकता है डिपेंडेंसी थ्योरी के रिस्पेक्ट में. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी एक्सटर्नल. ओके, इंटरनल, न्यूट्रल, ट्रेडिशनल नहीं है. यस विनीता, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. गुड स्वाति, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्सटर्नल. सो दीज आर दी 15 टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस ईयर्स यूजीसी नेट 2020 एग्जाम. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी. आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए वेदर यू लाइक द सेशन और वॉट मोर कैन बी डन फॉर द सेशन. क्या और टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यूज लेना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, प्लीज डू लेट मी नो. क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस टू वर्क हार्ड फॉर यू. वी हैव टू वर्क हार्ड टू मेक दीज एमसीक्यूज और द थ्योरीज दैट वी ब्रिंग अप टू यू. सो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपको ये लाइव सेशन कैसा लगा. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड करें एक्सक्लूसिवली मेड बाय अस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर व्हाट्सएप नंबर दैट इज बीइंग स्क्रोल्ड ऑन योर स्क्रीन. मैं उस व्हाट्सएप नंबर को एक बार रिपीट कर देती हूँ, 9938 408 08. दिस इज आर व्हाट्सएप नंबर. यू कैन कॉन्टैक्ट अस. सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन द नंबर. और पिछली बार जब हमने लाइव किया तो आप लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया. आई फेल्ट वेरी गुड. थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस. ऑल्सो यू कैन राइट डाउन टू अस ऑन आर जी मेल दैट इज gyanformedia@gmail.com. वहां पे भी अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए हो सो यू कैन राइट डाउन टू अस. दीज आर दी फ्री ट्यूटोरियल गाइज. मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप ये वीडियो शेयर करें. ऑल्सो ऑल्सो डू हिट द लाइक बटन सो दैट आई नो दैट यू गाइज आर लाइकिंग इट एंड यू गाइज आर वॉचिंग इट. And our target is to build a community out of it of the students and teacher. We want to build a community and we are targeting 5,000 subscribers so that we build a huge community. और आपके support और आपके motivation के बिना ये possible नहीं है. तो
Do hit the like button, also comment us, and you can also follow us on our Facebook page at Gyan for Media for more updates. We keep putting some information there, तो वहां पे भी आप जाके कोई भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड ले सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू मीट नेक्स्ट वेडनेसडे at 12 PM अगेन विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस विद अ न्यू टॉपिक. हम लोग आपको अपडेट कर देंगे. मैंने बोला फॉलो अस ऑन आवर फेसबुक पेज, वहां पे आई अपडेटेड कि हम कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं. और कोशिश करिएगा कि आप उस टॉपिक को थोड़ा सा आप ब्रशअप करके आए, सो दैट ज्यादा मजा आएगा हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने में और आपको आंसर्स बताने में. और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन उस टॉपिक से रिलेटेड हो गई है और कितनी आपको करनी है. आकाश ने मुझे एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज यहाँ पे लिखा है. निश्चित तौर से मैम, आपका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए कोशिश फलीभूत होगा, किंतु मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ. अगर हिंदी में उपलब्ध करेंगे। हो जाती है तो मेरे लिए अकल्पनीय होगा. थैंक यू आकाश, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए हिंदी में ट्यूटोरियल्स बनाएं. और आप मेरे, अगर आप वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे मेरे चैनल के, तो आप देख पाएंगे कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने हिंदी में कवर किए हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन ही है. डॉक्टर रचना गंगवार जो हमारी एक्सपर्ट थी, उन्होंने हिंदी में थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़ाया है. तो आप वहां जाके यू कैन चेक आउट दैट वीडियो देयर. ऑल्सो रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय प्रोफेसर गोपाल सिंह, वो भी हिंदी में था, वो भी आप वहां जाके पढ़ सकते हैं. इसके अलावा मेरे कई सारे वीडियोस हैं जो आपको हिंदी में मिलेंगे. तो और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे. डेफिनेटली वील बी प्रोवाइडिंग यू विद मोर नॉलेज. ऑल्सो एज आई टोल्ड यू, फॉलो अस ऑन फेसबुक ताकि आपको पता रहे कि हम अगले वेडनेसडे 12 बजे कौन से टॉपिक पे एमसीक्यूज करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड कीप स्टडीइंग.